अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और शायद आपको पता होगा कि मेरी जो पुराना चैनल था उसको मैं बंद कर रहा हूँ और मैं न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था वो सही से उसमें मैंने सही से कुछ काम किया नहीं था। उसमें जितनी वीडियोस थी वो मेरे इस नीचे वाले टेरेस की थी, तो ये वाला जो टेरेस है वो अभी मैंने डलवाया है और जितना मेरा सेटअप छोटा सा था मैंने अभी ऊपर कर लिया है। तो मैंने सोचा कि सब शुरुआत शुरू से हो रही है तो फिर अपना जो चैनल वो भी शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मेरे पास माइक भी नहीं, मेरा माइक भी टूट गया, मेरे कुछ पेट्स थे कुछ मर गए, कुछ मैंने सेल आउट कर दिए, जितने हैं बस यही बचे हैं आपके सामने। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो मैं टीन शेड लेके आया हूँ यहाँ से लाइन से केजेस बनाने का सोच रहा हूँ। ये वाला मैंने अभी फ़िलहाल टेम्परेरी के लिए बना के रखा है और ये शेड मैंने वो पहले ही डलवा दिया था। यहाँ पर मैं बहुत तरीके के साथ में एक अच्छा सा शेड बनाऊँगा। तो अभी तो बारिश हो रही है तो कुछ सामान लेके आना है, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, मैं किसी मिस्त्री वगैरह को नहीं बुलाऊंगा। ये ईंट भी रखी है मेरे पास और कुछ ईंटें वो सामने पड़ी हैं, कुछ नीचे नीचे पड़ी हैं, उन सब से मिलाकर बनाऊंगा। और यार मैंने अभी ना इनको कुछ भी डाला भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं क्योंकि सुबह मैं लेट उठा था और पानी भी आज नहीं आया तो मैं टंकी भी नहीं भर पाया और आप देख रहा हो कितना ज़्यादा फैलावा हो रहा है। गाइस अभी बहुत कुछ कर रहा है, बाकी ये समझ लीजिए मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है, बस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह दुआ है कि आपकी सपोर्ट ज़रूर मिलेगी और मैं कुछ ना कुछ फिर करूँगा आगे, बट मैं अभी सब कुछ अपने पैसे लगा कर ही आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं केजेस बनाऊँगा, स्टार्ट करूँगा लाइन से 4 या 5 केज बनाऊँगा यहाँ से, और सबके अलग अलग। अभी बर्ड्स भी इसलिए लेके नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा इंतज़ाम है नहीं रखने के लिए, तो हम जब भी लेके आएंगे जब हमारे केजेस बनके तैयार हो जाएंगे। तो सीमेंट भी रखा है, रेत भी रखी है, ब्रिक्स भी रखी है, ये भी है, बाकी छोटा मोटा सामान है, तार वगैरह है, ये सब वो मैं अपने हाथ से करूँगा, बस सपोर्ट आपको करना है। तो पहले मैं मार्केट जाऊँगा, बारिश जैसी बंद होती है मार्केट जाके कुछ सामान लेके आऊँगा जो कि हमारे दीवार उठाने में मदद करेंगे, और बाकी थोड़ा सा उसको भी पैक करना है क्योंकि पानी कभी कभी यहाँ से आता है। कल मिस्त्री आया था तो उसने ये जगह पैक कर दी, ये खुली हुई थी और ये वाली जगह पैक कर दी। तो चलिए मार्केट चलते हैं, थोड़ी जब बारिश बंद होगी तब हम मार्केट जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केट जाने से पहले ना मैं अपने पेट्स को दाना डाल लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वापस सुबह आए थे तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से दाना वगैरह डाला होगा। मैं ऐसा करता हूँ उनको सूखे चावल डाल देता हूँ, इनको सूखे चावल ना बहुत ज़्यादा पसंद है, डक्स को भी हमारे बहुत ज़्यादा सूखे चावल पसंद है। अरे यार आराम से रुको 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 यार, इसके अंदर ना एक ब्रिक रख देता हूँ इससे कि ना इसको उठाए ना, थोड़ा और डाल देता हूँ शायद ये ख़त्म कर देंगे। आओ आओ आओ, कौन परेशान कर रहा है आपको, ये वाली मुर्गी ना मेरे डक को परेशान करती है, इसकी पूंछ काटती है। अब परेशान करे ना मुझसे बोलना, हाँ आपको भी कोई परेशान करे मुझसे बोलना, ठीक है। हमारी डक्स ना टाइम हो चुकी हैं, हैंड टाइम, इनको मैं कुछ भी करता हूँ, इस खाने के टाइम तो वैसे कुछ बोलती नहीं है, बस दुआ करिए जल्दी से बड़े हैं। इनके बाल झड़ना, इनकी टेबलेट्स भी मुझे लेके आनी है, कैल्शियम वाली, कैल्शियम की टेबलेट्स से ना बाल झड़ते नहीं है ऐसा मुझे कहा गया है, बट थोड़ा और डाल लेता हूँ, उसके मार्केट भी जाना है भाई जल्दी से। चलो इतना काफ़ी है, पानी भरा हुआ, हाँ पानी पी लो भाई, पानी पी लो। चलिए फिर मार्केट चलना पड़ेगा जल्दी से, वीडियो ज़्यादा बड़ी जाएगी नहीं तो फिर। यार गाइस हम आज मार्केट नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी अभी और आज मैं थोड़ा काम भी था, मैं कॉलेज वगैरह गया था, तो यार हम आज मार्केट नहीं जा पाए। मार्केट से मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लेके आनी थी, जैसे कि जो मिस्त्री यूज़ करते हैं ना जिससे ईंटें वगैरह लगाते हैं, तो हम यहाँ पर जब अपना केजेस बनाएंगे तो हम ईंटों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें करनी चाहिए, उसी से यार ये हो पाएगा काम। और आज मार्केट में जाने नहीं हो पाया क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो शायद इंशाल्लाह मैं कल जाऊँगा और कल जब लेके आऊँगा, सीमेंट मेरे पास है, ईंटें सब कुछ है मेरे पास, बस उसको सामान लेके आना है, उसी के साथ मैं काट उसको बना पाऊँगा। एक चीज़ और लेके आना है, जो ग्लाइंडर होता है, ग्लाइंडर जो काटता है उससे ना हम यहाँ पर 20 में कट ला देंगे, ये पूरी जो है ना ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा वहाँ पर 2 मिल जाएंगे, 2 तो काम के नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा करेंगे तो ये यहाँ तक फैल जाएगा,
तो उसको ना हम बीच से काट देंगे, तो इतना हमारा बहुत काफ़ी है, इतनी जगह बहुत है ये देखिए, क्योंकि हम केजी थोड़ा लंबे लंबे बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।